We will discuss today the triaxial state of stress. Relatively, this is a difficult topic, so we will try to be simple, and we will try to differentiate between more important and less important aspects of this topic. We have already seen in the previous lecture that a hole in a plate is a discontinuity, and if an axial load, a unidirectional load, is applied to the plate, then in the vicinity of the hole we experience a stress concentration. Hum ye keh rahe hain ki agar ek plate mein hum ek यूनिडायरेक्शनल एक डायरेक्शन में लोड लगाएं और उस प्लेट में अगर कोई डिसकंटिन्यूटी है, कोई सुराख है, तो उसके आसपास जो लोड होगा वो कंसंट्रेटेड हो जाएगा, वहां स्ट्रेस कंसंट्रेशन होगी, ये हम देख चुके हैं. व्हाट वी विल ऐड टू इट इज के सिर्फ स्ट्रेस कंसंट्रेशन ही नहीं, एक और फिनोमेना भी होगा और वो ये है कि जो हमने यूनिएक्सियल लोड लगाया था वो इस डिसकंटिन्यूटी के आसपास बायएक्सियल हो जाएगा या ट्राइएक्सियल भी हो सकता है. इसको क्लियरली समझ लीजिए कि यूनिएक्सियल और बायएक्सियल में क्या फर्क है. यूनिएक्सियल का मतलब ये कि वो लोड जो एक डायरेक्शन में लग रहा है, जैसे कि टेंसाइल टेस्ट में लगता है. बायएक्सियल का मतलब ये है कि जो लोड सिर्फ वाई एक्सिस के अलोंग लग रहा था, वर्टिकल एक्सिस के अलोंग लग रहा था, वो किसी एक जगह पर अब सिर्फ वाई एक्सिस पे ही नहीं लग रहा बल्कि एक्स एक्सिस पे भी शुरू हो गया है. ठीक, किसी एक लोकेशन पे, हर जगह नहीं, सिर्फ वहां जहां कोई मसला है, जहां कोई डिसकंटिन्यूटी है, जहां कोई स्ट्रेस कंसंट्रेशन है. इसको हम देखेंगे इस लेक्चर में कि कैसे होता है, ये कैसे होता है कि डिसकंटिन्यूटी के आसपास लोड यूनिएक्सियल लगाने के बावजूद बायएक्सियल हो जाए. ठीक, जो रेफरेंस होगा इस लेक्चर का वो डेविड ब्रिक की किताब के ये चंद पेजेस हैं जिनका यहाँ ये मेंशन किया हुआ है नीचे इस जगह पे. लेट अस स्टार्ट विद दिस स्केच. ये स्केच आपके लिए नया नहीं है. हमारे पास ये एक सैंपल है. इस सैंपल में हम ये सिग्मा एक लोड है जो कि एक डायरेक्शन में लगा रहे हैं, यूनिएक्सियल लोड लगा रहे हैं, जिसकी वजह से ये वर्टिकल लाइनें आ रही हैं जो स्ट्रेस को की डायरेक्शन को और उसकी इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट करती हैं. अब हम ये एलिमेंट ले लें, ये वाला ले लें, ये ले लें या ये ले लें, कोई भी एलिमेंट हम ले लें, तो इस हर एलिमेंट के अंदर जो स्ट्रेस है वो वही होगी जो हमने लगाई है. ठीक है, सब में हमें वर्टिकल लाइनें नजर आ रही हैं, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है इस जगह पे? इस जगह पे चूंकि एक डिसकंटिन्यूटी आ गई है और लाइनें यहाँ कंटिन्यू नहीं कर सकती, तो एक डिसकंटिन्यूटी की वजह से यहाँ जो स्ट्रेस की लाइनें हैं वो यहाँ बेंड हो रही हैं, कंसंट्रेट हो रही हैं. तो ये इलाका क्या कहलाएगा? ये इलाका कहलाएगा स्ट्रेस रेजर, यहाँ स्ट्रेस कंसंट्रेशन हो रही है. ये हम देख चुके हैं ऑलरेडी. अब हम क्या देख रहे हैं कि सिर्फ स्ट्रेस कंसंट्रेशन ही नहीं होगी बल्कि कुछ और भी होगा. कुछ और को देखने के लिए पहले एक जर्नल चीज देख लें कि अगर ये क्रैक ना होता या इस क्रैक के दूर ये डिसकंटिन्यूटी ना होती, ये इस डिसकंटिन्यूटी के दूर फासले के ऊपर जो स्ट्रेस सैंपल के अंदर एक्सपीरियंस हो रही है वो वही है जो बाहर लग रही है. डायरेक्शन भी वर्टिकल है और मैग्नीट्यूड भी वही है. ठीक, इन द एब्सेंस ऑफ द क्रैक स्ट्रेस इज यूनिएक्सियल थ्रू आउट द सैंपल. चाहे यहाँ देखें, चाहे यहाँ देखें, चाहे यहाँ देखें, चाहे यहाँ देखें, चाहे यहाँ देखें. ठीक, इधर क्या हो रहा है? इस स्ट्रेस कंसंट्रेशन जहां पर है यहाँ क्या हो रहा है?
देखा आपने, कैन यू सी द डिफरेंस, यहाँ एक बेंडिंग है, स्ट्रेस की डायरेक्शन यहाँ अब वर्टिकल नहीं रही बल्कि ये किसी एंगल पर हो गई है, और इस एंगल का एक कंपोनेंट वर्टिकल है और एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल। ये वाली जो स्ट्रेस है वो इस स्ट्रेस से क्या डिफरेंस है इसका, जरा बताएं, सोचें कि ये जो स्ट्रेस यहाँ इस जगह लग रही है नॉच के करीब, इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है। एक तो डिफरेंस आप कह देंगे फौरन, ये वर्टिकल है और ये जो है ये एक एंगल के ऊपर है, ठीक है ना, ये तो आप कह देंगे। और कोई डिफरेंस बताएं। और डिफरेंस ये होगा कि जो इसका मैग्नीट्यूड है वर्टिकल डायरेक्शन में वो यहाँ कम होगा और यहाँ ज्यादा होगा। ये हम देख ऑलरेडी देखा हुआ है हमने कि यहाँ स्ट्रेस कंसंट्रेटेड है, यहाँ स्ट्रेस रेजर है, तो ये वाला वर्टिकल वाला जो इसका कंपोनेंट है वो बड़ा होगा, इससे मजीद एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल भी जनरेट हो जाएगा। डायरेक्शन ऑफ द लोड अराउंड द नॉच इज नॉट द सेम एज इन यूनिफॉर्मली लोडेड एरियाज या सैंपल्स ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द पार्ट। लोकल स्ट्रेस हैज अ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। लोकल स्ट्रेस इन द रीजन ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ठीक, क्लियर है, इसको अच्छी तरह समझ लें। आज के लेक्चर का ये गुड 30% है इसी चीज में कि कैसे यूनिएक्सियल स्ट्रेस कन्वर्ट हो गई बाई एक्सियल में, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट। हम क्या देख रहे हैं, अब इस जगह को हम जरा मैग्निफाई कर लेते हैं। तो जो ऊपर का हिस्सा है क्रैक से ऊपर का, वहां ये एंगल के ऊपर अब स्ट्रेस लग रही है जिसका एक वर्टिकल कंपोनेंट एक हॉरिजॉन्टल है। इसी तरह यहाँ पर इसके बिल्कुल नीचे भी एक ऐसी चीज होगी, और अल्टीमेटली क्या है हमारे पास कि हम इन स्ट्रेसेस को रिजॉल्व कर सकते हैं वर्टिकल डायरेक्शन में और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। इन द विसिनिटी ऑफ द क्रैक स्ट्रेस फील्ड इज बायएक्सियल नाउ, ऑल्दो द अप्लाइड लोड यहाँ पर वॉज यूनिएक्सियल। इस चीज को बेशक आप दोबारा सुन लें और क्लियर कर लें कि इस स्लाइड आपको ये बता रही है कि अप्लाइड लोड यूनिएक्सियल था, नॉच के इलाके में सिर्फ यहाँ पर या दूर नहीं सिर्फ नॉच के इलाके में दो फेनोमेना हुए हैं। एक क्या हुआ है, एक ये हुआ है कि स्ट्रेस कंसंट्रेशन हो गई, ये वर्टिकल वाला पार्ट जो था ये बड़ा हो गया है इस पार्ट से। दूसरा क्या हुआ है कि वो जो यहाँ सिर्फ यूनिएक्सियल स्ट्रेस थी, यहाँ पे एक यूनिएक्सियल एक इसका वर्टिकल कंपोनेंट तो है ही है जो कि बड़ा भी है, और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी जनरेट हो गया है। तो हमने दो चीजें देखी, एक स्ट्रेस कंसंट्रेशन, दूसरे एक ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ स्ट्रेस, दो चीजें यहाँ पर जनरेट हो रही हैं। ठीक, ये नोट था, प्रोबेबली होपफुली अब आपको क्लियर हो गया होगा। Now, let us repeat what we said in a different way. State of stress is uniaxial throughout, except near the stress raiser. Still, the stress is near the notch is biaxial. ठीक? हम क्या कह रहे हैं कि हर जगह पर uniaxial है सिवाय notch के करीब, वहाँ biaxial है। ये हमने देखा है। इस चीज को रिप्रेजेंट हम इस तरह कर रहे हैं कि अगर ये मेरे पास नॉच है, नॉच से मैं डिस्टेंस लूं कहां पर, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, जैसे मैं दूर जा रहा हूं, तो अगर मैं बहुत दूर हूं, काफी दूर हूं मैं, तो मेरे पास इस डायरेक्शन में इस डायरेक्शन में स्ट्रेस कोई नहीं है क्योंकि यूनिएक्सियल लगा रहा हूं मैं, तो एक्स में कोई नहीं, सारी स्ट्रेस वाई में है, और वाई में इसका मैग्नीट्यूड क्या है, वाई में वही है जो मैंने लगाया है। लेकिन जैसे जैसे मैं करीब आता जा रहा हूँ स्ट्रेस रेजर के, मेरा वाई का मैग्नीट्यूड बढ़ता जा रहा है और इतना ज्यादा हो गया। एक्स के मैग्नीट्यूड के साथ क्या है, एक्स का मैग्नीट्यूड जैसे मैं करीब आ रहा हूँ बढ़ रहा है, क्योंकि हमने देखा है कि इसके करीब करीब आकर इसका ये बायएक्सियल हो जाती है, तो एक एक्स डायरेक्शन में भी मैग्नीट्यूड जनरेट हो रहा है। लेकिन एक अजीब व गरीब चीज ये है कि बिल्कुल सरफेस पे आके ये जीरो,
एक फिनोमेना पहले पढ़ चुके हैं जो कि फ्री सरफेसेस होती हैं, उन पे अगर कोई लोड ना लगाएं तो वहां पे लोड जीरो होता है, शेयर भी और नॉर्मल भी। ये दो किस्म की हमने पढ़ी है, याद है, नॉर्मल स्ट्रेस एक होती है जो परपेंडिकुलर होती है सरफेस के, शेयर होती है जो पैरेलल होती है। ये दोनों स्ट्रेसेस फ्री सरफेसेस के ऊपर जीरो होती है। तो ये जो यहाँ लिखा हुआ है ये बेसिकली सिर्फ ये दो बातें हैं, ये थोड़ा सा सिंपल कर दिया है पिछली जो स्लाइड मैंने पहले भेजी थी उसके मुकाबले में, कि द फेस ऑफ द नॉच इज द फ्री सरफेस। ये जो फेस नॉच का है ये वाला, जिसकी जो मैं देखूंगा और जो सरफेस नजर आएगी, या नॉर्मल और शेयर दोनों जीरो होंगी एज ए प्रिंसिपल, एज ए रूल। और इसके ऊपर जो स्ट्रेस होगी वो जीरो होगी इस जगह पे। तो ये सिग्मा एक्स यहाँ जीरो है क्योंकि यहाँ लगाई नहीं है, सिग्मा वाई जीरो नहीं है इसलिए कि ये लगी हुई है। सिग्मा वाई जो है हमने एक्सटर्नली लगाई है जो अंदर ट्रांसफर हो रही है, ठीक है ना, बल्कि सिग्मा एक्स जो है वो जनरेट सिर्फ हुई है इंटरनली ड्यू टू डिसकंटिन्यूटी। लेकिन जैसे ही हम जरा सा भी अंदर आएंगे एकदम से सिग्मा एक्स शुरू हो जाएगी और तेजी से बढ़ेगी और फिर आहिस्ता आहिस्ता सबसाइड हो जाएगी स्लाइटली इनवर्ट फ्रॉम द नॉच। तो बाई एक्सियल स्ट्रेस जो होगी वो एग्जिस्ट करेगी। बाई एक्सियल का मतलब सिग्मा एक्स जो है वो जनरेट हो जाएगी, वाई ऑलरेडी मौजूद है। तो एक्स डायरेक्शन में भी है, वाई डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन मेरी ये वाली है और वाई ये वाली है, ठीक। जी में क्या होगा, ये एक्स डायरेक्शन तो ये थी ना नॉच से, जगर मैं आगे जा रहा हूँ, अगर मैं ऊपर जा रहा हूँ तो वाई, ये थ्री डी व्यू है, और अगर मैं अलोंग द थिकनेस आगे आ रहा हूँ तो क्या होगा, ये अलोंग द थिकनेस ये जो मेरे पास फ्री सरफेस है, यहाँ भी वही रूल लगेगा जो यहाँ पर था कि फ्री सरफेस के ऊपर इन प्रिंसिपल अगर मैं एक्सटर्नल कोई फोर्स नहीं लगा रहा तो यहाँ पर स्ट्रेसेस जीरो होंगी। तो फेस ऑफ द प्लेट जो है यहाँ पे सिग्मा जी एज ए प्रिंसिपल इसके ऊपर स्ट्रेस जीरो होगी। अच्छा, अब एक और चीज यहाँ देख लीजिए कि ये खुद ये जो ऑर्थोगोनल एक्सीज हैं ये 90 डिग्री पे हैं तीनों, वाई बी, एक्स बी और जी बी। जी एक्सिस पे हमने कह दिया जीरो है, एक्स और वाई पे जैसे ही हम थोड़ा सा अंदर आते हैं तो दोनों मौजूद हैं। तो अगर कोई ऐसी सिचुएशन हो जहां पर के एक प्रिंसिपल एक्सिस पे स्ट्रेस जीरो हो और दो पे मौजूद, तो वो कौन सी कंडीशन होती है, वो प्लेन स्ट्रेस कंडीशन होती है। तो सिर्फ ये हम याद दिलाने के लिए कि ये वही सिचुएशन है जो हम पहले डील कर चुके हैं। मजीद ये बायएक्सियल तो हमने देख लिया, अब लेट अस सी द ट्रायएक्सियल सिचुएशन। हम ये कह रहे हैं कि हम थोड़ा सा अंदर आए से अंदर आते हैं अगर हम, तो हम क्या देखेंगे कि हम ये देखेंगे कि इसमें एक जी एक्सिस के ऊपर भी एक स्ट्रेस जनरेट, सरफेस पे तो नहीं होगी लेकिन अंदर होगी, स्टिल इनवर्ड जी एक्सिस के, या इस जगह पे नहीं होगी लेकिन थोड़ा सा अंदर जाएंगे, इनसाइड द सैंपल जाएंगे इस डायरेक्शन में, नेगेटिव जी जीरो है, जी से अंदर की तरफ जाएंगे तो जी एक्सिस पे भी एक स्ट्रेस जनरेट होगी। वो कैसे होगी, इसको आपने कैच करना है, ठीक। क्या कैच करना है, हमने वाई पे अप्लाई कर रहे थे, एक्स के ऊपर जनरेट हो गई ड्यू टू स्ट्रेस रेजर, अब जी पे इन प्रिंसिपल तो सरफेस पे जीरो है लेकिन जैसी सरफेस से हम अंदर जा रहे हैं इनवर्ड जा रहे हैं इस डायरेक्शन में, तो यहाँ पे एक जी डायरेक्शन में भी स्ट्रेस जनरेट हो। अगर ये जनरेट हो जाती है तो फिर क्या होगा, ये फिर ये ट्राइएक्सियल हो जाएगी। इसको देखते हैं, ये हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि हमारे पास ये 90 डिग्री के ऊपर ये फेस है और सरफेस के ऊपर अगर जी पे सरफेस पे जैसे हमने पहले कहा जीरो थी, तो हमारे पास सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई, सिग्मा वन और टू हो जाएगा दूसरे लफ्जों में, कि ये प्रिंसिपल स्ट्रेसेस होंगी, ये 90 डिग्री के ऊपर नॉर्मल स्ट्रेसेस प्रिंसिपल स्ट्रेसेस होंगी, तो चुनाचे ये प्लेन स्ट्रेन कंडीशन हो, प्लेन स्ट्रेस कंडीशन होगी, सॉरी प्लेन स्ट्रेस कंडीशन। अच्छा,
इन चीजों को समझ लें पहले, इससे पहले कि यहाँ आए। सरफेस के ऊपर कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं है, ये सरफेस के ऊपर हमने कहा जी जीरो है। जैसे ही हम थोड़ा सा एक्स एक्सिस की तरफ या वाई एक्सिस की तरफ जाते हैं, पहले हम एक्स की तरफ आते हैं, जैसे ही हम जरा सा यहाँ से अंदर की तरफ जाएंगे, एकदम से हमें शार्प इंक्रीज मिलेगा वाई में, हमें एक इंक्रीज मिलेगा एक्स में। तो वाई और एक्स में जो इंक्रीज है, ये रिजल्ट इसका एक ये होगा कि यहाँ पर जो सैंपल की ये थिकनेस है, ये कम होना चाहिए। देख रहे हैं ये कम हो रही है यहाँ पे। कैसे कम होना चाहिएगी ये अब हमें मैथमेटिकली देखेंगे, लेकिन फिनोमेना ये अब एक्सप्लेन करना है हमने कि जैसे ही हम जैसे ही फ्री सरफेस से इस कोने से इस नॉच से नॉच की सरफेस पे तो एक्स पे भी जीरो है वाई पे भी, लेकिन जैसे ही हम इनसे एक्स डायरेक्शन में अंदर आएंगे तो हमारे पास एक्स डायरेक्शन में भी एक फोर्स होगी वाई में भी, और लेकिन जब दूर चले जाएंगे तो एक्स की भी खत्म हो जाएगी वाई की भी नॉमिनल हो जाएगी। तो यहाँ कंट्रैक्शन जो होगी वो वही होगी यहाँ पर, सॉरी यहाँ स्ट्रेस वही होगी जो कि नॉमिनल सैंपल के ऊपर लग रही है। तो यहाँ इम्पैक्ट वही होगा जो सारे सैंपल पे दूर जाके, लेकिन नॉच के करीब क्या होगा, एक डिफरेंट सिचुएशन होगी। नॉच के करीब एक डिफरेंट तो हम देख चुके हैं कि सिग्मा एक्स जनरेट हो रहा है, दूसरी हम यहाँ देखते हैं। आए यहाँ देखें, हम पिछली स्लाइड में हमने क्या देखा था, एक दफा रिकैप कर लें। पिछली स्लाइड में हमने ये देखा था कि जैसे ही हम नॉच के अंदर आए हैं, सिग्मा एक्स हमारे पास बढ़ना शुरू हो गया, ठीक। और सिग्मा एक्स क्या है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन में ये देख रहे हैं, ये टेंसाइल स्ट्रेस है जो यहाँ लग रही है। कहाँ से लग रही है टेंसाइल, ये और पिछली स्लाइड में आ जाए, ये देख रहे हैं ये जो स्ट्रेस है ये टेंसाइल स्ट्रेस है, ये खींच रही है इसको, ये डायरेक्शन जो है ये सैंपल की, ये सैंपल को खींच रही है, ये टेंसाइल स्ट्रेस है। तो ये पॉजिटिव है सिग्मा एक्स, ठीक। तो यहाँ हमारे पास स्ट्रेस नॉच के ऊपर क्या है, हाई है। सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई दोनों की वजह से क्या होगा, एक स्ट्रेन जी में क्रिएट होगा। अब ये वाली जो अंग्रेजी है, इसको समझने के लिए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो है वो हमारी मदद करेगा। यहाँ देखते हैं कि पॉइजॉन्स रेशियो तो एक कॉन्स्टेंट है, तो सिग्मा एक्स की हम बात कर चुके कि ये पॉजिटिव होगा, टेंसाइल होगा और नॉच के करीब ज़्यादा होगा, दूर नहीं होगा, जीरो हो जाएगा। सिग्मा वाई क्या होगा, सिग्मा वाई नॉच के करीब बहुत ज़्यादा होगा, दूर ये नॉमिनल हो जाएगा। और जी को हमने सरफेस पे जीरो लिया है, हमने एज्यूम किया है, हमने एज्यूम किया, याद रखिएगा एज्यूम किया है हमने कि सिग्मा जी जो है वो जीरो है, क्योंकि सरफेस के ऊपर नहीं होनी चाहिए स्ट्रेस। इसको जीरो कर देंगे, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो ये जो एप्सिलॉन सॉरी ये जो ईटा जी है ये क्या होगा, एप्सिलॉन है सॉरी, ये जी स्ट्रेन है हमारा, जी डायरेक्शन में स्ट्रेन है, ये क्या होगा, ये जी डायरेक्शन में जो स्ट्रेन की वैल्यू है वो नेगेटिव होगी। नेगेटिव का मतलब क्या है कि यहाँ मटेरियल जी डायरेक्शन में मटेरियल देखें सुकड़ रहा है, ये सुकड़ेगा जाहिर है, जब यहाँ पर खिंच रहा है यहाँ खिंच रहा है तो मटेरियल दो तरफ से फैलेगा, तो जाहिर है कि उसकी जो वॉल्यूम कॉन्स्टेंट होता है, तो अगर दो तरफ से एक्सपेंड होगा तो एक तरफ से उसमें सुकड़ना ही है। वही इक्वेशन भी कह रही है, वही ये स्केच भी कह रहा है कि यहाँ से मटेरियल हमें सुकड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो जो ये दोनों स्ट्रेसेस हैं, ये वाली एक्स और वाई, ये दोनों क्या कर रही हैं, ये मटेरियल को जी डायरेक्शन में स्ट्रेन क्रिएट कर रही हैं, नेगेटिव नेगेटिव साइन है, ठीक। मैथमेटिकली इसको हम लिखें, जी को हम जीरो कर दें, जब जीरो को कर देंगे तो ऑटोमेटिकली स्ट्रेन इन जी डायरेक्शन जो होगा वो नेगेटिव हो जाएगा, और थिनिंग ऑफ द प्लेट ये नजर आ रही है, ये यहाँ पे थिनिंग, ये थिनिंग इस जगह पे इस डायरेक्शन में जी डायरेक्शन में मेरे पास इसकी वैल्यू कम हो रही है, तो प्लेट यहाँ टेंड टू थिन, कोशिश करेगा मटेरियल के यहाँ से सुखड़े, क्लियर। यहाँ एक और चीज देख लें कि जो कुछ भी ये हो रहा है नॉच के करीब है, दूर में जा रहा हूँ तो क्या हो रहा है कि दूर में जा रहा हूँ तो ये जो इतनी ज्यादा सिग्मा वाई की वैल्यू थी वो कम हो गई, सिग्मा वाई कम हो गया,
सिग्मा एक्स तो ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा दूर जाके। जब ये चीजें कम हो जाएंगी तो क्या होगा, जब ये कम हो जाएंगे तो मटेरियल नहीं सिकुड़ना चाहेगा ज्यादा, दूर जाऊंगा मैं तो लिटिल कॉन्ट्रैक्शन है। जब यहाँ मटेरियल नहीं सिकुड़ रहा और यहाँ सिकुड़ना चाह रहा है तो अंजाम क्या होगा, ये मटेरियल इसको सिकुड़ने से रोकेगा। ठीक, खैर इस पर अगली स्लाइड में आते हैं। फिलहाल तो सिंपल सिंपल ये देख लें, इस इक्वेशन में हमने सिग्मा जी की वैल्यू जीरो डाल दी। ठीक है, सिग्मा जी जीरो डाल दिया तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। ये वैल्यू सिंपली ये करिए, ई मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, ये पॉजिटिव वैल्यू है, ये पॉजिटिव सिग्मा एक्स पॉजिटिव है, सिग्मा एक्स पॉजिटिव है, सिग्मा वाई पॉजिटिव है, तो मेरे पास स्ट्रेन इन जी डायरेक्शन विल बी नेगेटिव। क्लियर? ट्राइएक्सियल, जो कुछ मैंने कहा था मैंने पहले सारा डिस्कस कर लिया है ऑलरेडी, तो अब वे ये रिपीटेशन होगा। स्ट्रेस इज आर हाई इन द विसिनिटी ऑफ द नॉच, ये हम देख चुके हैं, एक स्ट्रेस ये है, एक स्ट्रेस ये है। फर्दर अवे सिग्मा एक्स रिड्यूसेस टू जीरो, ऑब्वियसली सिग्मा एक्स जनरेट, यहाँ जो हमें एक डायरेक्शन मिली थी ना, एक वेक्टर एंगल पे हो गया था दूर जाके, वो सिर्फ वर्टिकल होगा तो एक्स जीरो हो जाएगा। सिग्मा एक्स रिड्यूसेस टू जीरो एज वी मूव अवे फ्रॉम द नॉच। और सिग्मा वाई क्या होगा, सिग्मा वाई जो होगा जैसे जैसे एक्स में डायरेक्शन में दूर जाएंगे ये नॉमिनल के करीब आ जाएगा, इट विल रिड्यूस टू द नॉमिनल वैल्यू। ठीक, हेंस दीज टू वैल्यूज रिड्यूस टू वेरी लो वैल्यूज। और जब ये दोनों कम हो जाएंगी तो क्या होगा, इन प्रिंसिपल जो स्ट्रेन है विल अप्रोच ए वेरी स्मॉल वैल्यू। यहाँ मैथमेटिकली हमने इसको एक्सप्रेस किया है कि दिस विल बी नेग्लिजिबल, क्योंकि हमने इतनी हाई स्ट्रेसेस तो नहीं है ना, इतनी हाई नहीं है, ये भी नहीं है, तो प्रैक्टिकली यहाँ पर स्ट्रेन जो होगा उसकी वैल्यू बहुत कम हो जाएगी। हम एज्यूम कर लें कि आइडियल केस में अगर ये चीज जीरो है, दूर जाके ये चीज जीरो है, दूर जाके यहाँ पे ये चीज जीरो है, अगर ये चीज जीरो है तो फिर क्या होगा, अगर ये चीज दूर जाके जीरो है तो क्या होगा, गेस करें। अगर दूर जाके ये जीरो होगा तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ एक छोटा सा नॉच है, ये नॉच के करीब एक छोटा सा सिलेंड्रिकल इलाका है, एक छोटा सा इलाका ऐसा है विच कैन बी सिमुलेटेड एज ए सिलेंडर ऑफ मटेरियल जो कि सिकुड़ना चाहता है, बाकी नहीं सिकुड़ना चाहता, बाकी मटेरियल नहीं सिकुड़ना चाहता, तो क्या होगा फिर यहाँ पे, अ स्मॉल रीजन नेक्स्ट टू द नॉच विल एक्सपीरियंस अ वेरी लार्ज वैल्यू ऑफ स्ट्रेन, और कौन सा है, ये नेगेटिव स्ट्रेन है, कॉन्ट्रैक्शन है, ऑफ शेप ऑफ ए सिलेंडर विच इज सराउंडेड बाय ए बल्क, ये सारा बल्क इधर, ऑफ नो या वेरी स्मॉल स्ट्रेन इन जी डायरेक्शन। ठीक, जी डायरेक्शन में ये वाला स्ट्रेन है, ये क्लियर हो गई बात, कि ये सिकुड़ना चाहता है बाकी नहीं सिकुड़ना चाहता, तो बाकी क्या करेगा, इसको रोक लेगा, नहीं सिकुड़ने देगा, तो बाकी क्या करेगा, इस डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई कर देगा, इसने फोर्स अप्लाई कर दी, बाकी ने इस ये सिकुड़ना चाह रहा था और ना सिकुड़ने देगा तो कैसे नहीं सिकुड़ने देगा, इसी तरह नहीं सिकुड़ने देगा कि वो खींचने की एक फोर्स अप्लाई कर देगा, कौन सी फोर्स अप्लाई करेगा, ताकि उसको ना सिकुड़ने दे, ना सिकुड़ने का मतलब ये टेंसाइल फोर्स अप्लाई करेगा, कंस्ट्रेंट ऑन लो लोकल डेफॉर्मेशन, ये लोकल ही है ना, सिर्फ नॉच के करीब है, नियर द नॉच, कंस्ट्रेंट ऑन लोकल डेफॉर्मेशन नियर द नॉच जो है वो इज ड्यू टू ए फोर्स विच विल जनरेट बाय द बल्क, वो जो होगी वो क्या होगी, सिग्मा जी होगी, और ये होगी एक टेंशन में फोर्स इन द पॉजिटिव डायरेक्शन होगी, क्योंकि इसने कंट्रैक्शन को रोकना है। अच्छा, जब हम ये कह रहे हैं कि सिग्मा जी को यहां हमने जीरो करना है, जबरदस्ती इसको कंट्रैक्शन से रोकना है, बल्क है ना, बल्क ने असर यानी जो ताफ्तान में स्ट्रेस पड़ रही है, सारा मुल्क जो क्या करेगा, उसको नलिफाई करने की कोशिश करेगा, डिफ्यूज करने की कोशिश करेगा, तो फिर हम ये कहेंगे कि अगर हम वो कंडीशन ले आए कि ये इस स्ट्रेस को, इस स्ट्रेन को हम जीरो कर दें,
स्ट्रेन किसी भी एक डायरेक्शन में हम जीरो कर देते हैं अगर, तो इसको हम प्लेन स्ट्रेन कंडीशन कहते हैं। मैथमेटिकली क्या है कि ये सारा एक्सप्रेशन जो होगा वो जीरो के बराबर, ये स्ट्रेन अगर जीरो है यहाँ पे, इस स्ट्रेन को अगर ये फोर्स जीरो कर रही है, ये सारा एक्सप्रेशन जीरो के बराबर। यहाँ से क्या होगा, सिग्मा जी की वैल्यू आ जाएगी। ऑब्वियसली हम ऑलरेडी कह चुके हैं कि ये टेंशन में होगी, मैथमेटिकली भी ये प्रूफ हो जाएगा। यहाँ से अगर ये जीरो है तो ये गायब हो गया मॉडुलस, ये चीज जीरो हो गई, ये चीज जीरो हो गई, इसका मतलब सिग्मा जी जो है वो पॉइजन रेशियो एक पॉजिटिव नंबर है मेटल्स के लिए, और ये जो है ये दोनों चीजें पॉजिटिव है, सिग्मा जी इज ए पॉजिटिव नंबर और टेंसाइल फोर्स है ये। ठीक, एट हाई टेंशन, a high tension develops in thickness direction, thickness direction is the direction when no contraction is permitted, permitted by whom, by the bulk, bulk nahi chahta ke sukde, exerted by the surrounding on the cylinder. Theek, is it clear? Agar ye cheez clear hai iska matlab ye hai ki aapne triaxial state ko clearly samajh liya, aur ye is lecture ka main point, ये कैच कर लिया तो इस लेक्चर का मेन चीज आपने कैच कर ली। नो स्ट्रेस ऑन फ्री सर्फेसेस, ठीक, ये जो जी एक्सिस पे फोर्स लग रही है ये बल्क लगा रहा है, कहाँ लगा रहा है, सरफेस से थोड़ा सा अंदर लगाएगा, सरफेस पे तो कोई फोर्स नहीं लगा सकता, एक्सटर्नली हम लगा नहीं रहे, मटेरियल लगा नहीं सकता, तो अगर वहां फोर्स बचाने वाली नहीं तो क्या होगा, थोड़ा कंट्रैक्शन होगा कि नहीं होगा, कंट्रैक्शन होगा तो एक डिम्पल नजर आ जाएगा लोकली छोटा सा, लेकिन जैसे ही हम जरा सा सरफेस अंदर जाएंगे तो सिग्मा जी तेजी से बढ़ेगा, तो इसका मतलब वहां कंट्रैक्शन नहीं होगी। देख, दिस इज रिलेटिवली स्मॉलर पॉइंट, लेकिन लिखने का मकसद ये है कि आपको इन सैंपल्स पे इस किस्म के डिम्पल नॉच के करीब नजर आते हैं, तो दिस इज एन एक्सप्लेनेशन। नाउ कमिंग टू द असाइनमेंट, होपफुली इस असाइनमेंट में कोई मसला नहीं होगा, असाइनमेंट की डेट आप अपनी कन्वीनियंस से थोड़ा सा आप एक्सटेंड कर लीजिएगा, ये टॉक मिलने के बाद, नो प्रॉब्लम विद दैट। और दूसरी चीज ये कि अपना जो आप अपने जवाब दें उसमें नॉमनक्लेचर ऐसा रखिएगा कि मैं आपकी फाइल देख के ये डिफ्रेंशिएट कर लूँ कि ये फेलियर एनालिसिस का है या ये न्यूक्लियर मटेरियल का कोर्स है, तो पहले दो जो आपके लेटर्स हैं वो आपकी इनिशियल्स होंगे कोर्स के, या एफ ए होगा फेलियर एनालिसिस, और उसके बाद लेक्चर नंबर आ जाएगा, इस लेक्चर पे ये सवाल दिया गया है, और वाई वाई जो है आपके रजिस्ट्रेशन नंबर है, और एक्स एस आपके इनिशियल है। हो सकते हैं बाज स्टूडेंट्स के इनिशियल एक जैसे हों लेकिन रजिस्ट्रेशन नंबर से वो डिफ्रेंशिएट हो जाएंगे। गुड लक, होपफुली ये चीज क्लियर हो गई होगी, प्रोबेबली दिस इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट टॉपिक्स इन दिस कोर्स, और आई विल बी हैप्पी टू आंसर एनी क्वेश्चंस। आप लोग बड़े अच्छे अच्छे सवाल करते हैं, तो प्लीज कंटिन्यू डूइंग दैट, दिस विल बी इन अ वे कीप अवर इंटरेक्शन। अल्लाह हाफिज, कीप हैप्पी एंड कीप सेफ।